शुक्रिया वकील साहब, डॉक्टर आदिल, पूरी टीम, आप सबका बहुत शुक्रिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। यू नो, बिफोर द क्रैश 30 सेकंड पहले एक जर्क सा लगा था। वो गालिबन जर्क इसलिए लगा था क्योंकि जो आपका इंजन थे वो फेल हो गए थे। तो वो मैं जहाँ बैठा हुआ था, सामने मुझे कॉकपिट का दरवाज़ा नज़र आ रहा था, तो कॉकपिट का दरवाज़ा खुल गया एंड आई सॉ थ्रू द विंड स्क्रीन कि द प्लेन वॉज नोज डाइविंग। देर वॉज नो इंडिकेशन कि कोई स्ट्रेस है ऑफ द इंडिकेशन। ये ज़रूर था कि जिस तरह प्लेन नीचे आ रहा था बड़ा इरेटिक तरीके से, वो अपनी जगह है। और फिर उसके बाद तो जब जर्क लगा तो 30 सेकंड तक वैसे ही वो ग्लाइड कर रहा था। तो वो बड़ी अनयूजुअल चीज़ें थी, बट मुझे ये नहीं पता कि कैबिन में क्या हो रहा था। बट 30 सेकंड पहले मुझे पता चल गया था कि प्लेन इज क्रैश। तो जैसे ही जब वो प्लेन ने हिट किया नीचे से, मैं क्योंकि आगे बैठा हुआ था, तो आई फेंटेड बिकॉज आई प्रॉब्ली आई न्यू दैट यू नो द क्रैश इज अबाउट टू हैपन। अच्छा, मौत से मुझे कभी डर नहीं लगा, मतलब मुझे को मरने का शौक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मौत आए तो किसी पर्पस के लिए आए। 22 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ है। 4 जून को मैं हॉस्पिटल से चला गया था घर, और जून के एंड में, बिकॉज वो ईयर एंड आता है, तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ऑफिशियली मैंने 13 जुलाई को ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। बट जो जिस चीज़ ने उस वक्त सैनिटी को बचाया वो यही था कि मैं काम पर वापस चला गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग राइट आफ्टर दिस थिंग। ऑनेस्टली यू, आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज समबडी हु वॉज मेरिट ओरिएंटेड एंड ही ऑलवेज केप्ट दी ऑनेस्टी इन हिज वर्क, इन हिज डीलिंग्स, इन हिज कमिटमेंट विद पीपल।